शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि MIUI 12 का अपडेट काफी सारे डिवाइसों के अंदर अपडेट आ चुका है, सिर्फ एक दो डिवाइसों को छोड़कर MIUI 12 का अपडेट काफी सारे डिवाइस में आ चुका है। लेकिन उस MIUI 12 अपडेट में हमें दो फीचर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जो कि न्यू फीचर नहीं है, मतलब MIUI 11 के अंदर था लेकिन MIUI 12 से उसको रिमूव कर दिया गया। सबसे पहले फीचर की मैं बात करूं तो वो मिलता है आपको क्विक रिप्लाई का फीचर, इसके अंदर मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि हम अनेबल करके दिखाएंगे आपको इस अपडेट के अंदर किस प्रकार से आप उसका यूज कर सकते हैं क्विक रिप्लाई का। तो देखते हैं गेम टूलबॉक्स, वीडियो टूलबॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस एंड लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन क्विक रिप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, MIUI 12 के अंदर रिमूव कर दिया गया। और अबाउट फोन में जाएंगे और स्टोरेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कैच डाटा का भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। ये काफी लोगों ने बता रखा होगा, तो मैंने सोचा काफी मैंने बताया नहीं था अपने चैनल पे, काफी लोगों को पता नहीं होगा अगर कैच डाटा का ऑप्शन आपके फोन के अंदर नहीं है तो वो भी आप अनेबल कर सकते हैं इस MIUI 12 के अंदर। MIUI 12 के अंदर ये दोनों फीचर मिसिंग देखने को मिलते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, 200 लाइक कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्दी फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, बहुत कम टारगेट रखते हैं यार, तो 200 लाइक आप उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली उन दोनों फीचर को अनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिंपली जाना आपको प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाकर सर्च मारना आपको एक्टिविटी लॉन्चर। काफी लोगों के डाउनलोड होंगे जो हमारे चैनल पे पुराने हैं, तो उनका डाउनलोड करो, ठीक है। अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, 1 से 2 MB की एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और अपने फोन के अंदर इसे ओपन कर लीजिए। जितने भी एप्स होंगे सारे कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे जितने भी एप्स होंगे वो सारे शो करने लगेगी। देख सकते हैं सारे एप्स यहाँ पे शो करने लग चुके हैं। अब बहुत सारे एप्लीकेशन में से ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है उन फीचर को अनेबल करने के लिए, तो सिंपली जैसे कि मैं पहले सर्च करता हूँ क्यूक सर्च मारता हूँ और यहाँ पे हम सर्च मारते हैं आर, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीचे की साइड, आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन में एक क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्विक रिप्लाई में जैसे जाएंगे तो ये फीचर तो आ जाएगा यहाँ पे। तो काफी लोग बोलेंगे कि यार हमेशा एक्टिविटी लॉन्चर में जाना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्टकट भी बना लेना है ताकि ये आपका डेस्कटॉप पे आ जाए, मतलब आइकन यहाँ पे शो करने लगे। यहाँ पे आपका अदर परमिशन में जाना है आपको, सिंपली मेरा अदर परमिशन कहाँ है भैया, तो अदर परमिशन में जाता हूँ और होम स्क्रीन शॉर्टकट को आपको इनेबल कर देना है, यहाँ पे चेक का निशान होना चाहिए और बैक कर देना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली अपने एक्टिविटी लॉन्चर में जाना है। एक्टिविटी लॉन्चर में जाने के बाद आपको जैसे कि मैं वापस चलता हूँ भैया कहाँ गया, तो जैसे कि मैं आ चुका देखते हैं क्विक रिप्लाई, उसके बाद यहाँ पे इस पर होल्ड प्रेस एंड होल्ड करेंगे और क्रिएट शॉर्टकट करेंगे तो यहाँ पे आपके होम स्क्रीन पे इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, आपको बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि ये फीचर काफी लोगों के लिए काम होगा, जैसे कि रेडमी 9 और रेडमी 9A के अंदर आपको कोई भी वीडियो टूलबॉक्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता और कोई भी जैसे कि मिसिंग देखने को मिलता, उसमें स्पेशल फीचर का ऑप्शन ही नहीं है। रेडमी 9 आई थिंक 9A के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, स्पेशल फीचर उसमें है ही नहीं। और जिनको फ्लोटिंग विंडो ये सारे फीचर नहीं मिले तो वो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि क्विक रिप्लाई थोड़ा अलग वर्क करता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है उस पर टैप करेंगे तो छोटी विंडो में होएगा, फ्लोटिंग विंडो तो आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है, वीडियो टूलबॉक्स यहाँ स्वाइप करना पड़ता है। लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप की तरफ से, जिस ऐप पे आपने अनेबल कर रखा होगा गैलरी पे, तो गैलरी पे के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप के, उस पर क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी विंडो में आपकी वो खुल जाएगी जहां से आप क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्विक रिप्लाई का ऑप्शन। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो दूसरा एप्लीकेशन है जो कि कैच डाटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो किस प्रकार से आपको अनेबल करना है। जैसे कि मैंने अनेबल कर रखा है, उसके लिए भी आपको सिंपली एक्टिविटी लॉन्चर में जाना होगा। जैसे एक्टिविटी लॉन्चर में जाता हूं और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टोरेज, स्टोरेज में जल्दी सर्च कर लेता हूं। तो जैसे कि मैंने स्टोरेज सर्च कर लिया, स्टोरेज सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैच डाटा का एक ऑप्शन आ चुका है जिसमें आप डाटा को कैच कर सकते हैं, जो भी आपकी खराब फाइलें हैं, मतलब जो कि काम की नहीं है उसे ओके करके यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इस प्रकार से कैच डाटा का ऑप्शन काम करता है। अब इसका भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं, इस फीचर का आप बहुत लोग यूज करते होंगे, क्लीनर एप्लीकेशन का बहुत कम लोग यूज करते होंगे, तो यहाँ पे कैच डाटा का ऑप्शन का यहाँ से भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड करना और क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पर इन दोनों के शॉर्टकट बन जाएंगे। तो मेक श्योर कंफर्म कर लीजिए अदर परमिशन में शॉर्टकट वाला आपका परमिशन ऑन है जब भी ये शॉर्टकट क्रिएट होगा। देख सकते हैं दोनों फीचर MIUI 11 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने MIUI 12 में भी इसको अनेबल कर दिया, जो कि Xiaomi ने हिडन कर दिया था MIUI 12 के अंदर। तो इस प्रकार से इन दोनों फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर कैच एंड यहाँ पे आपका क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन, जो कि बहुत पुराना फीचर है MIUI 11 वाला, जो कि रिमूव कर दिया गया था तो मैंने अनेबल कर लिया। वैसे कि काफी लोग कम यूज करते होंगे
क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मैंने सोचा बता दिया जाए यार कि फीचर है और अनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।